साथ ही कुछ भी करूं मैं इस कमरे में कुछ भी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। सो जैसे कि आपको पता है आज भाभी गई हुई है सिर्फ दो दिन के लिए। आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ क्योंकि भाभी गई हुई है और ये कमरा मेरा है अब। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तब भी लाइक करना क्योंकि ये मेरा व्लॉग है, ठीक है। अब मैं इंट्रो दे रही हूँ इस व्लॉग का, चलो व्लॉग की तरफ चलते हैं। जो है हमारी सहरी सब हो चुकी है, हमने नमाज मतलब मैंने नमाज ही पढ़ ली है और भाई अभी नमाज पढ़ रहे हैं। देख सकते हैं आप कितना अंधेरा हो रहा है, बस थोड़ी देर और रोशनी उजाला होगा। और मम्मी यहाँ पे माशाल्लाह से कुरान पढ़ रही हैं जी, बिल्कुल मैं भी पढ़ूंगी और देखते हैं भाई कौन सा रकात पढ़ रहे। चले और टाइम देखते हैं क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है 5:15 आज 15। मम्मी 20 मिनट्स कुरान पढ़ेंगी, मैं 50 मिनट्स पढ़ूंगी, ठीक है। मुझे 5 मिनट लगते हैं पढ़ने में। जब भी कुरान की बात आती है तो मैं हमेशा से यही कहती हूँ, मैं मायने वाला कुरान पढ़ती हूँ जो कि हिंदी में है। उसमें थोड़ी बहुत अभी तो मैं उस पर हूँ, पहले उस पर हूँ, पहले से पारे पर हूँ क्योंकि मुझे माइनों में पढ़ने में बहुत देर लगती है। तो इसीलिए 8वें रोज़े को ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, आज ख़त्म हो जाएगा, कल से मेरा दूसरा लगेगा सिपारा। चलो मिलते हैं हम इफ्तार में, या इफ्तार से थोड़ी कुछ देर पहले, या भाई छत दिखा दे, टेरेस दिखा दे, बयान हो रहा है। जैसे कि आपको पता है आज दिल्ली NCR में बड़ी ही बारिश हुई थी और यहाँ पे हमारे नमाज के बाद जो है ना थोड़ा सा बयान होता है। नमाज पढ़ ली मुझे समझ आ रही है। तो गाइस यहाँ पे अब हम सोने जा रहे हैं और मिलते हैं हम नमाज के बाद। हाय गाइस, अब हम लोग सो के उठ चुके हैं और मैंने कपड़े वपड़े सब चेंज कर लिए हैं, तो अब हो रहा है नमाज का टाइम। हाँ जी, नमाज पढ़ ली आज फ्राइडे, नमाज नहीं पढ़नी। अभी सामान लेने जा रहे हैं ये और मम्मी, तो नमाज का भी टाइम हो गया है। तो अक्सर देखो कैसे पॉसिबल आ रही है। ऐसा नहीं है, नहीं। हमारी अक्सर नेक काम करती है, ऐसा नहीं है कि ये नेक काम नहीं करती। पापा को मोजे पहनाना, शूज पहनाना, दिखाता हूँ आप लोगों को कि आज का भी मौसम अच्छा हो रहा है। तो अब मैंने थोड़ा सा दस्तरखान बिछा दिया है, इफ्तार का टाइम होने ही वाला है, सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट है इफ्तार में। तो चलते हैं, देखते हैं मैंने कितना दस्तरखान बिछाया और चलो कुछ सामान लेके भी चलते हैं। देखिए हमारे कुर्ता पजामा पहने हुए डैडी माशाल्लाह से, अभी और लाते हैं सामान। बोला यार प्लेट ला रही हूं एक बार के। क्या
मिर्चा है मिर्चा। मुझे ना केले कम थे तो ये बाहर से कच्चे खाने लगे केले डाल रही है। जैसे कि आपको बताया भाभी जा चुकी है, भाभी का कमरा खाली है खाली। और आपको पता है जब भाभी जाती है तो मेरी क्या होती है इस कमरे में? आजादी होती है मेरे इस कमरे में। अगर आपको नहीं पता भाई, हाँ एक बात, सबसे टीवी खोलो पे। नहीं नहीं यार, रमजान चल रहे हैं। हाँ खोल तो सकते हैं, ना तो सुन सकते हैं। चलो खोलो। शायद वाईफाई नहीं चल रहा। बताने वाला वो ऊपर वाला है ना, लेकिन इन मासूम बच्चों की तरफ तो देखिए, इनका ख्याल कौन रखेगा इनके लिए ऊपर वालों ने। भाई खुलते ही एक तो ये आ जाता है, यूट्यूब खोलो नाते लगाओ भाई नाते। देखो भैया मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मैंने नाते ही लगाई है सच में। ये कहाँ गया ये पर नाते, ठीक है मैंने नाते लगाई हैं ठीक है। और यहाँ पे फैला हुआ है, सबसे पहले मुझे सफाई करनी है भाई। अब मैं हूँ इसकी महारानी से, रानी से भी महारानी हूँ मैं इसकी। अब मैं इस कमरे में चाहे कुछ भी करूँ मैं इस कमरे में कुछ भी, ठीक है। अब मैं हूँ इस कमरे में, यानी मैं हूँ इस कमरे की रानी महारानी। चल सबसे पहले इस कमरे की सफाई करते हैं, फिर खोलते हैं भाभी का मेकअप। भाई वो सब मैंने कर दी, कितने क्यों कैसे रह दिए, जो फला हुआ था मैंने समेट दिया है। और अब चलते हैं, भाभी का मेकअप कहाँ रखा हुआ है? आई गेस दिस इज लॉक्ड। इसमें भाभी का मेकअप रखा हुआ है। मेकअप हुआ फेल निकालना। अब भाई क्या करते हैं, अब कुछ नहीं करते हैं। अब मेरा मन भी नहीं जा रहा है मेकअप खोलने का। ओ माय गॉड, मैं अपने इससे डर गई। मैं कह रही हूँ मेरे पीछे कौन आ गया भाई? यहाँ पे शीशा गलत लगाए यहाँ पे शीशा। ओ माय गॉड, क्या आ रहा है भाई? देखो निशा आज घर पे नहीं है ना, तो मैडम ने हक जमा रखा है, लॉक कर रखा है पूरे घर को। नहीं मैंने कुछ हक नहीं जमाया। ये देखो दोनों घर की जो नकारा है लड़कियां, ये दोनों कैसे पड़ी हुई हैं कमरे के अंदर। अब ये वाह, कहाँ जा रहे हो? लाइक नहीं करा, लाइक करो जल्दी से, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं करा, बनो माचिस वाली पप्पो, करो जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाओ जल्दी से।